तो इसलिए मैं आज कहता हूं कि आईना देखिए, जब ये पुरानी बातें दोहराकर सुनिए, अभी मेरी बात पुरानी नहीं है ना, ना मैं इनके बीच में नहीं बोला था, आपका अब ये मेरी बात ना, दीपन जी इस तरह से चर्चा नहीं होगी ना, रुक जाइए ना, प्लीज देखिए कि मुझे गृह मंत्री के कुछ ट्रेन दिखाने जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल डिबेट नहीं है। के शर्मा जी रुक जाइए प्लीज, मुझे आप ही के गृह मंत्री के स्टेटमेंट दिखाने, के जी मुझे आप ही के नेता के स्टेटमेंट दिखाने हैं। नरसंहार पर आपकी जो है बोलती बंद है, किसने किया था सिखों के नरसंहार? इनके नेता देश को दिशा भूल कर रहे हैं, किसने किया था? इनके नेता जो है हजारों बता रहे हैं कि नकारा और निकम्मा मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पिछली बातें गिना करके आपके निकम्मे मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करोगे? आप पिछली बातें गिना करके ये बताओगे कि महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया वो अच्छी बात हुई है? क्या अमित शाह जी ये बताना चाहते थे कि जो कुछ मणिपुर में हुआ उसको जस्टिफाई करना चाहते थे? कोई शब्द नहीं है, देश से माफी मांगिए, मणिपुर की जनता से माफी मांगिए, शर्म करो, शर्म करो, नाकारे मुख्यमंत्री को निकम्मी और नाकारे सरकार बता रही है। दोनों को काट दूंगा। के शर्मा जी, चरण सिंह सापरा साहब, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके नेताओं के स्टेटमेंट में दिखाना चाहता हूं। आप चाहते कि मैं ना दिखाऊं, मैं नहीं दिखाता। कहीं तो आप दोनों फुल स्टॉप लगाएंगे? नहीं नहीं, वो इनको फुल स्टॉप लगाना चाहिए ना, जब हमने इनकी बात सुनी है तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी? दिखाना जरूरी है ना, एक तरफा चलेगा? आप एक तरफा दादागिरी नहीं चलने दूंगा, नहीं है ना? मैं बीजेपी की दादागिरी नहीं चलने दूंगा, दादागिरी बीजेपी की दादागिरी को नहीं चलने दूंगा। आपके पास उत्तर नहीं है ना, अमित शाह के पास उत्तर है ना, आपके पास उत्तर है ना, प्रधानमंत्री के पास में उत्तर है ना? उत्तर नहीं है, नाकारा मुख्यमंत्री को बचा करके रखा था, जिसके जिसके खिलाफ एसीपी ने बोला है, जिसके खिलाफ आपके आपके एमएलए वहां पर बोल रहे हैं, आज भी उन लोगों को टिकट दे रहे हो। स्पॉन्सर्ड दंगा, एक एफआईआर ने जारी हुई थी उस समय, कहा कि ये सुयोजित दंगा। अरे छोड़िए उस समय की बात, आज की बात करिए, चरित्र क्या पूरा देश देख रहा है कि आज 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 जो कुछ मणिपुर में हुआ है वो सही हुआ? कह दीजिए ना, कह दीजिए फिर पिछली बातें क्यों गिराते हो? हमने कभी नहीं कहा, यदि आपको जो अभी घटना कभी नहीं उसकी पुष्टि करते हो ना, दो दिन से आप मान्यता हो रही है, किसी ने शांति की अपील नहीं की, यही मान्यता मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करके शांति की अपील की हो, यही मान्यता जो है और यही शांति की अपील किया तो अमित भाई ने किया और उस पर हमला करते रहे आप लोग। अरे शर्म करो, शांति की अपील करें अमित शाह, शर्म करें नरेंद्र मोदी, शर्म करें आप, जिस तरह से आपने राहुल गांधी का मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करने का काम किया, शर्म करें राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, तथ्य नहीं है, शर्म कीजिए, आपके पास कोई जमीर नहीं है, आपके पास कोई इज्जत नहीं है, भारत माता की खत्म की बात करते हो, जमीर हो चुके हो, भारत माता की खत्म की बात करते हो, अपना जमीर हो चुकी है, तुम्हारी हिम्मत नहीं, भारत माता की आंखों पे हाथ लगाने का, इंसानियत भारत माता की कत्ल की बात जो है करना बंद कर दीजिए, मानवता का कत्ल होगा तो भारत माता की कत्ल करने की बात, इंसानियत किसी कांग्रेसों की औकात नहीं है, कत्ल होगा भारत माँ के आचरण का भी छूले किसी कांग्रेसी की औकात नहीं है, आप जो भारत की आचरण को जुड़े भारत माता की, क्या बात कर रहे हो? गांधी जी के विचारों का कथन करना बंद करो, की बात कर रहे हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का कथन करना बंद करो, कांग्रेसी के अंदर यदि ऐसी कोई जुबान बोलता है सुयोजित वहां पर दंगे कर रहे हो, ये सुयोजित दंगे करना बंद करो, भारत माता का कत्ल हो गया, बंद करो नफरत की राजनीति, बंद करो, जिसके अंदर भी भारत का खून होगा उसकी जबान में शब्द नहीं आ सकता, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूंगा, जीतेगा साहब, इंडिया लड़ेगा, 140 करोड़ देश देख रहा है, इसको जाओ क्या बताओ, 140 करोड़ भारतीय देख रहे हैं जबान को, जो राहुल गांधी की अमित शाह जी का, जिसके अंदर भी भारत का खून बहता होगा, भारत माँ का, उसकी जबान से ये शब्द नहीं निकल सकता, ये शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आप इस तरह से दंगे नहीं भड़का सकते, अंदर में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है आप लोगों के अंदर, आपकी अकाउंटेबिलिटी, इसलिए ऐसे जबान निकलते हैं, जवाबदारी लीजिए, ऐसी बोल सब निकलती है, मादा रखिए, मादा
ऐसी लेने का वादा रखिए अगर सत्ता में हो तो। जब आप लोगों के अंदर राष्ट्रीयता नहीं होती लोगों की बनती है, विपक्ष की नहीं बनती है। चलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आगे कुछ नहीं बोल रहा, मुझसे जितना बन पड़ेगा माननीय के शर्मा जी और चरण सिंह सपरा जी के बीच उतने में अमित शाह जी के स्टेटमेंट चला दूंगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो राजीव रंजन और ब्रजमोहन जी से शुरुआत होगी, प्लीज थोड़ा इंतजार करिएगा। चरण सिंह सपरा साहब, राजीव रंजन भी आप ही के INDIA यानी इंडिया अलायंस के मेंबर है, उनको तो वक्त दू तो आपत्ति मत करिएगा। नहीं नहीं, आवाज मत काटा करिए प्लीज, ये बोलेंगे उतना मैं बोलूंगा। सर टाइमर लगा के रख लेते हैं चरण साहब, वो तो बोला था ही, टाइमर लगा के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा इसको सिखाइए कि डिबेट किस तरह से होती है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं फिर बताऊं आज का जो भाषण है, बस रुक दीजिए रुक दीजिए रुक दीजिए। अरे चल अपना सीख के आओ, अरे छोड़ो, धमकी देता हूं तो बैठ के टीवी में। अरे धमकी दे रहे हो टीवी में, अरे पहले सीख करके आओ कैसे डिबेट करते हैं। अरे गुंडा करो तुम डिबेट, अरे धमकी क्यों, अरे जिस तरह से तुम बात करोगे उसी तरह से मैं बोलूंगा। धमकी देगा गुंडा दे, अरे जो मर्जी समझो धमकी दो, जो मर्जी समझो, जो मर्जी क्या समझो, समझा भी देंगे हम आपको कि मणिपुर की जवाबदारी आपकी है, कांग्रेसी का दंगे हुए जवाबदारी आपकी है, महिला को नग्न निकल जाओ, घुमाया देश की जनता। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के लिए रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, आप दोनों जिम्मेदार, एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी वेटिंग सत्ता में उसके नेता हैं, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। Zee News।